हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? हेलो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? हाय गाइस, सो लेट मी चेक द इनपुट। सो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, मैथ्स ओलंपियाड प्रोग्राम जो 2021 के लिए है, IOQM 2021 के लिए है गाइस, वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाय गाइस, सो लेट मी चल, चेक द इनपुट। ओके, परफेक्ट। सो गाइस, मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम, राइट? पिछले 2-3 सालों से, 2017 में जब से PRMO का एग्जामिनेशन हुआ है, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस आई है मैथमेटिक्स ओलंपियाड से रिलेटेड। और मैं कुछ फैक्ट्स आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले NMTC, जो 52nd NMTC होने वाला है, जो AMTI कंडक्ट कराती है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जिसके तहत पिछले साल 1,12,000 स्टूडेंट्स ने NMTC का एग्जामिनेशन दिया था। इसका मतलब NMTC एक ऐसा एग्जामिनेशन हो गया है जिसको अगर आप 1 लाख दे रहे हैं, तो आप सोचिए, इमेजिन कीजिए PRMO कितने सारे बच्चे एग्जामिनेशन में दे रहे होंगे, राइट? सो यार, मैं आप लोगों को बहुत सिंपल सी चीज आज बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम का मतलब क्या है, मैथमेटिक्स ओलंपियाड कौन कौन से एग्जामिनेशन को केटर करता है, और मोशन एजुकेशन आप लोगों के लिए क्या क्या करने वाला है। मेरा नाम है प्रशांत जैन, IIT बॉम्बे से ग्रेजुएट हूं, PRMO की बुक का ऑथर हूं, और YouTube पे वन ऑफ दी मोस्ट व्यूड एडुकेटर हूं फॉर PRMO। सो गाइज, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यार, मैथमेटिक्स ओलंपियाड के अंदर अगर कोई बच्चा फिफ्थ क्लास से सोचे, तो फिर उसके पास क्या एवेन्यूज है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि भाई फिफ्थ क्लास से सोचे, फिफ्थ क्लास से सोचने का रीजन ये है गाइज, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत खराब है, मेनली बिकॉज ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब ये होता है कि जो स्टार्ट होती है ना हमारे यहाँ पे, वो बहुत लेट होती है। अगर मैं बात करूं अमेरिका की, जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, रशिया की, चाइना की, यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो काफी पहले से स्टार्ट करते हैं, और एक प्रॉपर आर्किटेक्चर है। इंडिया में भी ये आर्किटेक्चर एग्जिस्ट करता है, मगर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता। So, मेरे हिसाब से अगर कोई स्टूडेंट फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करता है मैथमेटिक्स के लिए, पहली बात तो ये ऐसा बच्चा होना चाहिए जो मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो। भाई, सब कॉन्टिनेंट हम लोग हैं, और आप लोगों को पता है ये एक ऐसा देश है जो अपनी मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता है। और अगर ये मैथमेटिक्स के लिए जाना जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे मैथ्स एंथुसियास्ट हम लोग को मिलते हैं। फिफ्थ क्लास के अंदर गाइज, NMTC प्राइमरी एक एग्जामिनेशन होता है जो AMTI कंडक्ट कराती है। AMTI ऑनलाइन वेबसाइट है जहां पे आप लोग इस चीज को देख सकते हैं। NMTC सब जूनियर फिर 7th-8th क्लास में होता है, 5th-6th 7th-8th, और यहां पे बेसिक लेवल पे इंट्रोड्यूस होती है नॉन रूटीन मैथमेटिक्स। फिर NSEJS को मैं रखता हूं, ये इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी है, जब आप नीचे आएंगे तो ये इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी में आएगा। फिर KVPY होता है, फिर मैं JEE एडवांस को मानता हूं। KVPY और JEE एडवांस ऊपर नीचे मान सकते हैं, बट JEE एडवांस स्लाइटली डिफिकल्ट है, इसमें भी कुछ नॉन रूटीन प्रॉब्लम पिछले 3-4 सालों में आ रही है। उसके बाद PRMO आता है, फिर RMO आता है, फिर INMO आता है, फिर IMO आता है। PRMO आप लोग जानते हैं, RMO आप लोग जानते हैं, INMO आप लोग जानते हैं, IMO जानते हैं। मेनली हमारा जो एम है ना, इंडिया को मेडल दिलाने का है, और केवल इंडिया के लिए मेडल नहीं जीतेंगे आप लोग, आप लोग बहुत सारी चीजें देखेंगे जो इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की बात करते हैं। भाई साहब, ये SOF वाला IMO नहीं है, ठीक है, ये इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो एक लेजिटिमेट एग्जामिनेशन है, जहां पे बहुत सारी कंट्रीज अपने रिप्रेजेंटेटिव स्टूडेंट्स को भेजती है, वो एग्जामिनेशन। इसकी पहली स्टेज PRMO होती है, जो इस साल IOQM के नाम से हो रही है। MTAI इसको कंडक्ट कराता है, ये बहुत सारे रीजन्स में कंडक्ट किया जाता है, और इसके अंदर हर रीजन में 300 सीट्स है, तकरीबन 13,000-14,000 सीट्स इसके अंदर होती है, इसलिए ये एग्जाम बहुत एक्साइटिंग एग्जाम हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी सीट्स है। इस बार तकरीबन 13,000 स्टूडेंट्स को मेरिट सर्टिफिकेट मिलने की उम्मीद है। फिर RMO होता है, RMO के बाद स्टूडेंट्स को INMO के लिए सेलेक्ट किया जाता है। RMO एक काफी डिफिकल्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, और RMO कुछ मतलब 2017 से पहले RMO ही होता था, कुछ स्टेट्स में ही केवल PRMO होता था। PRMO इंट्रोड्यूस करके इन्होंने बैरियर बहुत कम कर दिया, क्योंकि RMO एक ऐसा एग्जामिनेशन था जिसमें 3 घंटे में केवल 6 क्वेश्चन होते थे, और वो बहुत डिफिकल्ट होते थे, तो बैरियर काफी कम कर दिया। INMO के अंदर 8 क्वेश्चन मतलब 6 क्वेश्चन होते हैं, बट 4 घंटे इसमें बच्चों को मिलते हैं।
IMOTC, फिर ऐसा कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है जहां पे इंडिया को जो बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे उनको सिलेक्ट किया जाता है, फिर PDT होता है और फिर इवेंचुअली इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है। अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस देखेंगे पिछले कुछ सालों की तो वो इतनी इनकरेजिंग नहीं रही है। कुछ साल हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, बट मेजॉरिटी हम लोग जितना अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री में कर रहे हैं ना, उतना हम लोग मैथमेटिक्स में नहीं कर रहे हैं। आप लोग ये सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को यह चीज बताना चाहता हूं कि क्या क्या मतलब हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। प्रीआरएमओ की सीट्स के बारे में बात करूं तो 30 रीजन है, 300 सीट्स पर रीजन फॉर क्लास 8 टू 11 एंड 60 सीट्स पर रीजन फॉर 12th। इस पूरे प्रोग्राम से दो रिप्रेजेंटेशन लिए जाते हैं, तीन इनफैक्ट, एशियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, और यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं। 5% और 1% रेस्पेक्टिवली, एक तरह से आप कह सकते हैं रिजर्वेशन होता है JNV और KV के लिए। इसका मतलब यह है कि जितने भी JNV के बच्चे देंगे उनमें से 5% बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे और 1% 12th क्लास में सेलेक्ट हो जाएंगे JNV और KV के अंदर। तो सीट्स बहुत सारी है। अब नेचुरली बच्चे के दिमाग में यह आता है, सर प्रीआरएमओ क्यों पढ़ूं मैं, मेरे पास इतने सारे एग्जामिनेशन है, NSTSC वगैरह है बचपन में, हम मैथमेटिक्स ओलंपियाड क्यों पढ़े? ये एक जेन्युइन मतलब एक जेन्युइन क्वेश्चन है, ठीक है। तो भाई बेनिफिट्स मैं बताता हूं आप लोगों को फॉर स्टडिंग फॉर प्रीआरएमओ एंड फॉर दैट मैटर मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम। सबसे पहला फॉरमोस्ट, चांस टू रिप्रेजेंट इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। जस्ट इमेजिन योर सेल्फ होल्डिंग अ मेडल फॉर इंडिया एट द पोडियम, इट इज लाइक द फीलिंग ऑफ ओलंपिक्स। ओलंपिक्स जैसा ही तो होता है ओलंपियाड, स्टार्टिंग कुछ लेटर्स भी सेम है, राइट? तो ऐसा मौका आप लोगों को मिलता है और ऐसे मौके के लिए प्रिपेयर करना एक अपने आप में अचीवमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप टू प्रिपेयर फॉर इंस्टीट्यूट्स लाइक ISI एंड CMI। भाई किसी को प्योर मैथ्स के अंदर अगर करियर बनाना है, CMI के अंदर एडमिशन लेना है, ISI के अंदर एडमिशन लेना है, तो भाई ये फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्योर मैथमेटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, बिल्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं। मतलब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं सर 4-5 बच्चे तो सिलेक्ट होते हैं इंटरनेशनल के लिए, कुछ बच्चे बोलते हैं सर बहुत ही कम सीट से मैथमेटिक्स ओलंपियाड के लिए, मगर ये जो चीज है ना यार, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, अगर आप लोग देखें फर्स्ट रैंकर चिराग फेलोर, प्रीआरएमओ क्वालिफाइड, आरएमओ क्वालिफाइड, मेरा एक स्टूडेंट था आर्यन गुप्ता, मैंने आपको बताया था प्रीआरएमओ आरएमओ क्वालिफाइड, इनमो अवॉर्डी AIR 30। भाई इन लोगों के लिए JEE एडवांस की जो मैथमेटिक्स है ना, वो बहुत ही ब्रीज की तरह जाती है। इन सब का एक USP रहा है मैथमेटिक्स का स्कोर इन JEE एडवांस रहे। तो भाई JEE एडवांस के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो क्लास 8 से लेकर 10th क्लास में अब प्रीआरएमओ कंपलसरी टारगेट हो गया। अगर आप लोग प्रीआरएमओ के लिए पढ़ते हैं, आप लिटरली अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे, आपको मैथमेटिक्स को देखने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा। और ये देखने का नजरिया JEE एडवांस के अंदर चेंज होता है, बट वो लेट हो जाता है। जब बच्चा 11th क्लास में, उसको एक शॉक लगता है ना कि यार ये कैसी मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, यार स्कूल में तो हम लोगों ने पढ़ी नहीं, NTSC में भी हम लोगों ने इस तरह की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। ये जो शॉक होता है ना, ये आप एब्जॉर्ब कर पाओगे अगर आप प्रीआरएमओ के लिए तैयारी करते हो तो। और मैं आप लोगों को ये कह ही नहीं रहा यार कि सीधा प्रीआरएमओ के लिए तैयारी करो, आपके लिए एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर बनाया है, वो आर्किटेक्चर अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताऊंगा। बट ये जो चीज है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड, मतलब प्रीआरएमओ की जो जर्नी भी होती है ना, प्रीआरएमओ को प्रिपेयर करके जब आप आगे निकल जाते हो, जब आप दूसरे टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हो, आपको एक नेचुरल इजीनेस लगती है कि यार अच्छा यार ये तो चिल है, अब चिल हो गई लाइफ, ठीक है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई जो मतलब किस तरीके से हम लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम लेके आएंगे और इस प्रोग्राम की क्या फीचर रहने वाले हैं। तो ये कुछ क्रीडेंशियल मेरे हैं, आप लोग जानते हैं, नेशनल ऑथर विद ऑफ प्रीआरएमओ बुक विद पियर्सन। पियर्सन इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन हाउस है और उनके साथ मैंने प्रीआरएमओ की बुक ली है जिसका नाम पाथफाइंडर है। 1500 प्लस सिलेक्शन इन लास्ट 3 ईयर्स और इस साल का IOQ अभी होने वाला है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत सारे सिलेक्शन इस साल भी होने वाले हैं। मेरा जो कोर्स है वो सबसे सक्सेसफुल ऑनलाइन कोर्स, मोस्ट वॉच्ड कोर्स है प्रीआरएमओ का, और इस बार और भी उसको ऑगमेंट हम लोग कर रहे हैं। और 2019 का जो मेरा प्रीआरएमओ का वीडियो था वो 25,000 से भी ज्यादा बच्चों ने लाइव देखा था विद इन 6 आवर्स। ये आप लोग सारी चीजें जानते हैं, ठीक है। तो अब मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं जो मोशन का है, ठीक है। तो भाई एम क्या है? एम बहुत सिंपल है, टू डिस्कवर द पोटेंशियल टैलेंट एंड इनकरेज देम टू लीड अ सक्सेसफुल लाइफ अहेड। दिस इनिशिएटिव इज टू एम्पावर यंग माइंड्स एंड हेल्प देम टू एनालाइज देयर लॉजिकल थिंकिंग, क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड जनरल मैथमेटिकल एबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नेशनल लेवल।
तो भाई जो AMTI का एम है ना वही हमारा एम है, ठीक है। AMTI का भी सेम ही एम है, इनफैक्ट वहीं से हम लोगों ने ये पूरा जो टेक्स्ट है वो लिया है, बिकॉज इट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट्स व्हाट आवर एम इज, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई हम लोगों ने इस कोर्स को हाईली सब्सिडाइज किया है, इस कोर्स को हम लोगों ने हाईली सब्सिडाइज किया है, ठीक है। अभी फी स्ट्रक्चर गाइस अभी मैं बता ही रहा हूं आप लोगों को, निश्चित रहिए। तो हमारा एम यह है कि एक पूरा फॉर्मल आर्किटेक्चर बनाया जाए। मतलब इमेजिन कीजिए ना यार, NMTC का एग्जामिनेशन होता है, भाई पढ़ाएगा कौन इसके लिए? नेचुरली आपके दिमाग में ये चीज आती है कि भाई NMTC का एग्जाम है सर, हमें समझ में आया, 5th-6th में NMTC प्राइमरी देना, 7th-8th में NMTC सब जूनियर देना, 9th-10th में NMTC जूनियर देना, फिर NSCJS देना, फिर KVPY देना, सब देना है, मगर इसके लिए पढ़ाएगा कौन? हम पढ़ाएंगे, और ऐसा पढ़ाएंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। और आप लोग जानते हैं मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, आप लोग जानते हैं मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर पिछले लास्ट 2 ईयर्स मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर दिए, 2 साल की मेहनत के बाद मैं ये प्रोग्राम आप लोगों के लिए लेके आ पा रहा हूं विद मोशन एजुकेशन। तो गाइज स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है ये भी मैं बता रहा हूं, फी स्ट्रक्चर देख लीजिए गाइज। प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो फी स्ट्रक्चर ये MRP है ना, इस पर ऑब्वियसली डिस्काउंट है, 6000 बेसिक का है और मीडियम इंग्लिश रहेगा। मीडियम इंग्लिश मतलब यार वही है ना, जैसी देसी भाषा में अपन पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ाएंगे, मगर जो कंटेंट मिलेगा वो इंग्लिश में मिलेगा। तो भाई अगर आपकी नजर में आपके छोटे भाई बहन हो या फिर कोई भी 5th-6th क्लास का बच्चा हो ना, उसको ये चीज पहुंचाओ, उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब NMTC सब जूनियर ये भाई 7th और 8th क्लास के बच्चों के लिए पूरा आर्किटेक्चर बनाया 5th से लेकर 10th क्लास तक। 7th-8th के लिए कोर्स फी बेसिक है 6000। इसका मतलब यह है कि मान लो कोई बच्चा 7th क्लास का है, उसको अच्छा खासा एक्सपोजर है 5th-6th क्लास के अंदर, या तो उसने प्राइमरी की तैयारी कर रखी है, उसको अच्छा एक्सपोजर है, तो वो सब जूनियर की प्रिपरेशन कर सकता है 6000 वाले प्लान के अंदर। बट अगर वो ये बोले कि सर मैं तो पहली बार नॉन रूटीन मैथमेटिक्स में आ रहा हूं, मुझे तो आप एक काम करो सर प्राइमरी के साथ सब जूनियर दे दो, तो मैं पहले क्या है प्राइमरी के कुछ लेक्चर्स देख लूंगा, फिर मेरा बेसिक स्ट्रांग हो जाएगा, फिर मैं सब जूनियर की प्रिपरेशन करूंगा, तो भाई ये जो पैकेज है इसके अंदर एज इट इज जुड़ जाएगा। 6+6=12 होता है, उसमें से 3 माइनस कर दिया, 9000 प्लस प्रोग्राम में आ गया, समझे गया? तो 9000 प्लस प्रोग्राम में आ गया, ये कोर्स फी इसकी हो गई, ठीक है। NMTC प्राइमरी हमारे एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर्स पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगा गाइस, आपको पता है ये चीज, बट इसके अंदर कुछ लेक्चर्स डेफिनेटली मेरे भी रहेंगे, जहां पे बहुत भयंकर ओपी विजुअलाइजेशन होता है आप लोगों को पता है, वहां पे मैं आऊंगा। सारे लेक्चर्स मगर प्राइमरी के मेरे नहीं होंगे। NMTC सब जूनियर के अंदर भी सिमिलरली सारे लेक्चर्स मेरे नहीं होंगे। 7th और 8th स्टैंडर्ड के लिए ये एक ऑफिशियल एग्जामिनेशन होता है, जिसकी डेट आ चुकी है मार्च में, ये एग्जामिनेशन है। कोर्स फ्री 6000, कोर्स फी 9000 प्लस के लिए, प्लस का मतलब ये है कि भाई प्राइमरी भी इसमें जुड़ जाएगा। फिर आपका फेवरेट PRM हो या फिर अभी IUQM है, इसमें सारे लेक्चर मैं ही लूंगा, आप लोग जानते हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है। कोर्स फी 12000 बेसिक की है, कोर्स फी 15000 प्लस। अब इसमें प्लस का क्या मतलब सर? भाई मैंने 2 साल यूट्यूब पे IUQM PRM पढ़ाया, 2 साल के अंदर जो चीज मुझे रियलाइज हुई है वो ये है कि यार IUQM के अंदर गाइज एक प्रॉब्लम आती है, वो ये कि सर बेसिक तो वीक है हमारे, सर 9th-10th तो पढ़ी नहीं रखी, डायरेक्टली इसको कैसे पढ़े? तो भाई आपको सब जूनियर इसके अंदर कवर मिल जाएगा। सब जूनियर अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है ना, वो सीधा सीधा PRM की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है। हमने ये आर्किटेक्चर इस तरह से बनाया। तो इमेजिन कीजिए कोई बच्चा 5th-6th क्लास के अंदर स्टार्ट कर रहा है, वो प्राइमरी देखेगा। कोई बच्चा 7th-8th में स्टार्ट कर रहा है, चाहता है बेसिक से पढ़े, तो प्राइमरी और सब जूनियर दोनों लेगा वो, और अगर उसको सीधा सब जूनियर लेना है तो बेसिक लेगा। कोई बच्चा है जिसने PRM की 1 साल तैयारी कर रखी है, मगर वो इस साल और स्ट्रेंथन करना चाहता है, सीधा PRM का बेसिक प्रोग्राम लेगा। और अगर कोई बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहता है तो वो 15000 वाला प्लस प्रोग्राम लेगा। अब इसमें फी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, स्कॉलरशिप क्या है? फ्लैट स्कॉलरशिप है गाइस। बिफोर 31st January अगर आप लोग एनरोल करेंगे तो 25% डिस्काउंट है, मतलब 25% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट कोड क्या है? अर्ली। सिंपल, क्या डिस्काउंट कोड है बता देता हूं मैं, ठीक है। इसका डिस्काउंट कोड है अर्ली, सिंपल अर्ली लिखना है आपको। और अभी एक वीडियो हम डालेंगे जिसके अंदर आपको डायरेक्टली पता चलेगा कि कैसे एनरोल करना है, ठीक है। तो अर्ली कोड आप लोगों को यूज करना है। 1 फरवरी से, अगर 1 फरवरी से 25 फरवरी तक आप मतलब फी पेमेंट करते हैं तो 15% डिस्काउंट मिलेगा इसी फी पे। ये MRP है, इसी पे मिलेगा। फिर 1 मार्च के बाद से 10% हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप 31 जनवरी तक ये एग्जामिनेशन के लिए करते हैं, 6000 का 25% 1500 होता है, तो 4500 में आपको ये सारा कोर्स मिल जाएगा। 1500 में ये 1500 डिस्काउंट यहां पे भी हो जाएगा। 9000 वाला कोर्स अगर आप लोग लेते हैं
तो तकरीबन शायद जितनी मेरी मैथमेटिक्स सही है, 2250 रुपए का डिस्काउंट आप लोगों को मिलेगा। फिर यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं प्रियारेमो प्लस की या फिर प्रियारेमो बेसिक की, प्रियारेमो बेसिक के अंदर आप लोग अगर 25% डिस्काउंट करेंगे तो 3000 के करीब होगा। 3000 मतलब 9000 में आपको IOQM का कोर्स मिल जाएगा, जो मेरा कमिटमेंट था कि भाई विद इन 4 डिजिट आप लोगों को ये कोर्स मैं प्रोवाइड करूंगा। क्लासेस कब चालू हो रही है? 20 तारीख को, समझे क्या? राइट, ये देखो सौरभ बोल रहा है फ्री में देना है तो दो वरना नहीं चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, देखो हमारा ऑप्शन, देखो हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है? हमारा यूट्यूब पे फुल कोर्स अवेलेबल है, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं, वो तो प्राइवेट हो नहीं रहा है, वो आप आराम से देख सकते हैं। अब इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो बता देता हूं, ठीक है? तो भाई स्टूडेंट्स जो 5th से 10th क्लास के उनके लिए है, ऑनलाइन क्लासेस है, आप लोगों को क्लासेस मिलेंगी, ठीक है? स्टार्ट हो रहा है 20 जनवरी से, 20 जनवरी से प्रीआरएमओ का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? अब इंपॉर्टेंट गाइज इसमें क्या है स्ट्रक्चर एंड व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम यूट्यूब प्लेटफॉर्म, व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम फ्री प्लेटफॉर्म। स्टार्टिंग की देखो 1 महीना तो यूट्यूब पे ही क्लासेस होंगी, बट जो स्टूडेंट्स जो फी पेमेंट करेंगे उन लोगों के लिए क्या होगा ये मैं बताया, तो उनको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है? हाई क्वालिटी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आप लोगों को। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर आप लेक्चर जो है ना रिकॉर्ड दिया करो फिर उसका डाउट क्लासेस लगाया करो, तो यही चीज हम लोग करने वाले हैं आप लोगों को। और मैं तो आपको देखो स्टार्टिंग में तो लाइव ही लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, लाइव लेक्चर्स मैं लेके आऊंगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 3 बजे मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं, ठीक है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरे 3 बजे लेक्चर आने वाले हैं, फिर यही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगे, क्रिएटेड बाय हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज, ठीक है? मेरे हिसाब से इसमें आप लोगों को कोई डाउट होगा नहीं। इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, इस बार हम लोगों ने कोशिश की है कि कुछ मतलब एनिमेशंस वगैरह भी आप लोगों के लिए यूज करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आएंगे, मैंने कुछ ट्रेलर्स भी आप लोगों को दिए थे। एफिशिएंट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स बाय एक्सपर्ट्स, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड्स होते हैं, बहुत बार उनके लिए अलग से कुछ वीडियोस बनाए जाएंगे। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पूरे साल भर आपने पढ़ा तो दिया मगर ये जो कुछ की पॉइंट्स हैं जैसे XY = integer है इसको अलग से बताओ थोड़ा सा, ठीक है? तो ये चीज है गाइस, इन डेप्थ अप्रोच ये सब हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट गाइस ये है, देखो 3 चीजें मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूं, 3 चीजें अलग से आप लोगों के लिए मैं इसके अंदर बता रहा हूं। देखो एक तो इसके अंदर क्या है ना, देखो एक मिनट वो वाली स्लाइड पे लेके आता हूं मैं जहां पे फीचर है। ये देखो क्या मिलने वाला है आप लोगों को इसके अंदर मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम में, एक तो मेरी क्लासेस मिलेंगी और मेरी टीम की क्लासेस मिलेंगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल फॉर NMTC प्रीआरएमओ एंड आरएमओ, इन तीनों एग्जामिनेशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी, 30+ टेस्ट पेपर्स मिलेंगे NMTC और PRMO के लिए बिफोर एग्जामिनेशन, 30+ क्वेश्चन पेपर्स इसके अंदर इन्वॉल्व है विद सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन डिस्कस किए जाएंगे, लाइव क्लासेस उसकी लगाई जाएंगी डिस्कशन के लिए। उसके अलावा हर हफ्ते हम लोग आपके लिए डाउट क्लासेस लेके आएंगे, ऑब्वियसली ये सारा पेड फीचर है, ये सारी की सारी चीजें पेड फीचर है। बाकी आप लोगों के पास देखो सब तरह के एवेन्यूज हैं, मैंने मेरा जो पूरा कोर्स है वो YouTube पे आपके पास अवेलेबल है, आप लोग मैथमेटिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वहां से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज है। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर है। कुछ स्टूडेंट्स को एक और मौका इस चीज में ये मिलेगा, देखो फ्लैट स्कॉलरशिप तो ये है ही सही, उसके अलावा जो मोस्ट हमारा एग्जामिनेशन होता है उस एग्जामिनेशन के थ्रू जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी आप लोगों को मिल सकती हैं, कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को काफी अच्छी स्कॉलरशिप्स इसके अंदर मिलेंगी, ठीक है? और कुछ बच्चों को मैंने कमिट किया हुआ है कि मैं उन लोगों को ये लॉगिन दूंगा, जो बच्चे मेरे साथ जहां पे दूसरे प्लेटफॉर्म पे मैं पढ़ाता हूं उस प्लेटफॉर्म पे है वहां पे जिन बच्चों ने मेरे थ्रू एडमिशन लिया था उन बच्चों को ये कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री दिया जाएगा, मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस ये जो मतलब एक तरह से प्रॉमिस है वी आर कीपिंग दैट, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो ये सारी चीजें मैंने आपको आई होप आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है। लास्टली बता देता हूं ये फी स्ट्रक्चर है गाइस, ये स्कॉलरशिप क्राइटेरिया है मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम के लिए, जो मतलब जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, राइट? डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, आप लोग लिंक पे सीधा जा सकते हैं, लिंक देख सकते हैं, ठीक है? लिंक आप लोग देख लीजिए, ठीक है? और उससे आप लोग मैथमेटिक्स ओलंपियाड प्रोग्राम में इनरोल कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप लोगों को देखो इनरोलमेंट में कोई डाउट है ना आप इंक्वायरी करके छोड़ दो, पेमेंट अभी मत करो, यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम मोशन एजुकेशन एंड आप लोगों को सारे प्रोग्राम फीचर्स वो बता देंगे, राइट? सो अब कुछ डाउट एनीथिंग, इंटरनेट इज पावरफुल देन एवरीथिंग, नहीं समझा भाई मैं?
देखो दोस्तों, मैं आप लोगों को बिल्कुल कैटेगरी के लिए बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं, इस साल प्री आरएमओ 2021 के लिए मेरा कोई भी फ्री बैच नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं मैं। और उसका रीजन ये है कि मैं फ्री ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूं, मेरा सब तरह का कोर्स अवेलेबल है, लाइव पूरा फुल ईयर कोर्स अवेलेबल है, क्रैश कोर्स अवेलेबल है, उसको बार बार पढ़ाने का कोई सेंस नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट्स पे, सेलेक्टेड स्टूडेंट्स पे मैं वर्क करना चाहता हूँ, रिजल्ट पे मैं वर्क करना चाहता हूँ। अब मैं इंटरनेशनल टारगेट कर रहा हूँ, कुछ बच्चों को लेके प्री आरएमओ करा, क्वालिफाई करा के आरएमओ, इनमो, सब चीजें क्लियर करवाना चाहता हूँ, समझ रहा हूँ मेरी बात को। कैटेगोरिकली बता रहा हूँ मैं, 2021 में मेरा कोई भी प्री आरएमओ का कोर्स फ्री प्लेटफॉर्म पे नहीं आएगा, ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ मैं आप लोगों के बाद, ठीक है, पूरे ईयर लॉन्ग चलेगा गाइस, दिस कोर्स इज गोइंग टू बी ईयर लॉन्ग। कितने दिन तक चलेगा? पूरा ईयर लॉन्ग चलेगा, जब तक प्री आरएमओ का एग्जामिनेशन नहीं होगा। ये एग्जैक्टली लाइक ऑफलाइन है, रिवीजन डीपीपीज होंगी, उन रिवीजन डीपीपीज में आपको पिटाई कर करके पूरा रिवाइज कराया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा, ये सब चीज है, ठीक है, राइट गाइस। कौन सी स्कॉलरशिप की बात कर रहे हो? देखो, एक तो डायरेक्ट स्कॉलरशिप मैंने आप लोगों को बताई थी जो आपको मिलेगी, उसके अलावा मोस्ट के थ्रू भी मिल सकती है। वैसे ये फ्लैट स्कॉलरशिप है, इससे ज्यादा स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है, 25% ज्यादा स्कॉलरशिप मिलना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है, ठीक है गाइस। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई है, मैंने अपनी तरफ से सारी चीजें क्लियर कर दी है। सो मैं ये होप करूंगा कि 20th को मेरा कोर्स चालू होने वाला है, बहुत ही जल्दी आप लोग इस कोर्स के लिए इनरोल करेंगे और मेरा और इस देश का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद।